आपके मैनेजर ने जो भी डेटा एंटर किया है उसकी बेस पे हो सकता है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है या वो हार्ड वर्कर है, लेकिन आपका मैनेजर आप सिस्टम में ये लिखेगा कि इस ऑनेस्ट ऑबीडियंट एम्प्लॉय है उसे किस तरह करना है, तो यहाँ पे एरर ना हो। सो ये टोटली बेस्ड करता है जो इंफॉर्मेशन आप लिखोगे अपने सिस्टम में, आपका मैनेजर क्या इंफॉर्मेशन लिखता है उस पर ये बेस करता है, उस पर ही आप ये जिस तरह देखता है। तो हो सकता है कि आपका मैनेजर बायसेस के यहाँ पे शो कर दे, एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा है ऑबीडियंट है, लेकिन वो सिस्टम में लिखते हैं कि उसके ऑबीडियंट जो पर्सन है उसको किस तरह फीडबैक दिया जाए, उसके फीडबैक को किस तरह हैंडल किया जाए, सिस्टम में फिर आपको वही भी चाहिए। सिस्टम को नहीं पता कि जिस पर्सन के बारे में फीडबैक या सजेशन मांगी जा रही है वो पर्सन एक्चुअली में है क्या। जो मैनेजर ने डेटा इनपुट करना है सिस्टम में, सिस्टम को सिर्फ उसके बारे में पता है। इट मे बी डिफिकल्ट टू लोकेट एन एक्यूरेट पैकेज फ्रॉम अ सप्लायर, तो एक अच्छा सप्लायर ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है कि जिससे हमने ये परचेज करना है एक्सपर्ट सिस्टम। और ये भी हो सकता है कि अगर हम खुद अपना एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं ये बहुत ज्यादा पोस्ट भी। मैंने अभी 360 डिग्री फीडबैक, तो 360 डिग्री फीडबैक क्या है, तो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ फीडबैक इज टू फाइनेंस डेटा ऑन एन इंडिविजुअल और ग्रुप डिराइव फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी एक इंडिविजुअल के बारे में अगर आपने डेटा लेना है तो आप उसके रिलेटेड जितने स्टेट पॉलिसी हैं आप उसे डेटा दिए। डेटा यूनिट फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग अगर आप एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के बारे में डेटा लेना चाहते हो तो डायरेक्टली वो जिसको रिपोर्ट करता है मैनेजर से डेटा, सुपरवाइजर से डेटा ले सकते हो, देन उसके पीएस से आप डेटा ले सकते हो, आपके जो एक्सटर्नल कस्टमर है आप उससे डेटा ले सकते हो। तो हर वो पर्सन जो कि जिसके साथ इंडिविजुअल ने इंटरेक्ट किया है, उस एम्प्लॉय ने इंटरेक्ट किया है, आप उससे डेटा ले सकते हो उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसीलिए इसको मल्टीवेटर फीडबैक कहा जाता है और कहा जाता है। अच्छा जी, द रेंज ऑफ फीडबैक वुड बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अदर स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल कस्टमर्स, क्लाइंट्स और सप्लायर्स, और उससे फिर हम कहेंगे 540 डिग्री फीडबैक। मीन्स अगर तो आप सिर्फ इंटरनली जो आपके लोग हैं आप उससे डेटा ले, पीयर्स हैं आपके, मैनेजर्स हैं आपके, डायरेक्ट सुपरवाइजर्स हैं आप उनसे डेटा ले रहे हो तो उसको हम 360, लेकिन ये 360 से 540 डिग्री फीडबैक भी मिल सकता है। 540 डिग्री इन कि अगर हम आपके जो एक्सटर्नल कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, आप उनको भी इंक्लूड कर रहे हो तो इस सिस्टम को फिर समटाइम्स 540 डिग्री भी कहा जाता है। इतना बड़ा सर्कल आप कवर करते जाओगे और इतने ही डिग्री इंक्रीज होता जाता है, सर्कल इतना ही बड़ा होता जाता है। फीडबैक कैन बी इनिशिएटेड एंटायरली बाय पीयर्स और बाय बोथ पीयर्स एंड टीम मेंबर्स, एंड इट कैन आल्सो टेक द फॉर्म ऑफ 180 डिग्री और अपर फीडबैक दैट इज गिवन बाय समवन और ये भी हो सकता है कि अगर आपने फीडबैक दिया, अगर टीम है और आपने टीम के जितने मेंबर्स हैं उनसे आपने सिर्फ डेटा लिया है और टीम लीडर से डेटा ले लिया है तो ये 180 डिग्री फॉर्म भी हो सकती है। 360 का मतलब है कि अगर एक पर्सन टीम में काम कर रहा है, आपने उसके टीम लीडर से उसको भी डेटा लिया, देन उसके जो पीयर्स हैं उनसे भी डेटा लिया, देन उनके जो मैनेजर्स हैं आपने उनसे भी डेटा लिया, तो 360 डिग्री में कवर होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पर्सन एक टीम में काम कर रहा है और उस टीम के बाकी जो मेम्बर्स हैं उनसे आपने सिर्फ डेटा लिया है, टीम लीडर से डेटा ले लिया है तो इसमें हम 180 डिग्री फीडबैक भी कहा जाता है। इट डिपेंड्स कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप किन किन लोगों से डेटा लेना चाहते हैं। सो जो
फीडबैक है वो मे बी प्रेजेंटेड डायरेक्ट टू इंडिविजुअल्स और टू देयर मैनेजर्स और बोर्ड, तो भी ये जो 360 डिग्री फीडबैक है ये डायरेक्टली हो सकता है कि इंडिविजुअल को दे दिया जाए, आपके मैनेजर्स को भी दिया जा सकता है और बोर्ड को भी दिया जा सकता है। अब रैशनल क्या है फॉर 360 डिग्री फीडबैक? 360 डिग्री फीडबैक बेसिकली दो की असम्पशन पे बेस करता है। वन इज द अवेयरनेस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन हाउ वी सी आवरसेल्व्स एंड हाउ अदर्स सी अस, हम किस तरह खुद को देख रहे हैं और दूसरे हमें किस तरह जज कर रहे हैं, उनमें जो वेरिएशन है उस चीज के बारे में हमें पता चल सकता है। हम हो सकता है कि हम हाई परफॉर्मेंस कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरों की नज़र से देखा जाए तो अगर आप लीडर हैं, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू अप, ये दोनों तो ये अगर आप लीडर हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस को किस तरह मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद सेल्फ अवेयरनेस भी आप इस चीज के लिए। तो आपका ये हेल्पफुल रहता है 360 डिग्री फीडबैक टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइंट लीडर बिहेवियर और आपके वर्क यूनिट रिजल्ट्स क्या है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस क्या है, और साथ ही साथ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप मींस आप डेफिनेटली जब हम सब लोगों से डेटा ले रहे हैं परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको ये भी पता चल जाता है कि अच्छी लीडरशिप किस तरह ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिट की परफॉर्मेंस के साथ लिंक करती है, आपकी कस्टमर एक्सपेक्टेशन या कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक अच्छे लीडर के साथ। और अगर हम दूसरे वे में देखें तो किस तरह आपकी जो लीडरशिप डेवलपमेंट में इम्प्लॉयज किस तरह पार्टिसिपेट, जब इम्प्लॉयज एक लीडर को परफॉर्मेंस को स्ट्रेस करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटीज है आपका मैनेजर परफॉर्मेंस को भी बेहतर किया जा सकता है। एंड इट रिकॉग्नाइजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो डिफरेंट सोर्सेज से इनपुट मिलता है ये यहाँ से पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है। आपकी जो कुछ परफॉर्मेंस डिमेंशन जो कि यूजली इसको आप इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद आपने खुद अगर मैनेजर एक्सेस कर रखा है और कुछ स्थिति हो सकता है कि मैनेजर इग्नोर कर दे, कुछ पॉजिटिव जो लीडर्स को इग्नोर कर दे, कुछ आपका एक एम्प्लॉय टीम है उसको इग्नोर कर दे, तो उसके लिए इस चीज़ को भी यहाँ पर फिर अवॉइड किया जाता है। वो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर कर देती है या एक स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल मैनेजर इग्नोर कर देता है तो करते हैं, जब मल्टीपल सोर्सेज से आपको डेटा मिलता है तो आपको एक और आपको डेटा मिलता है, एक ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है एक्सेस करने का पर्सपेक्टिव है वो भी आपके पेड स्किल्स क्या होंगे उसमें पर्सनल डेवलपमेंट टूल है कि पर्सनली डेवलप कैसे करना है उसके लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प्स इन असेसिंग डेवलपमेंटल नीड्स क्या होंगे और एंड एज अ बेसिस फॉर परफॉर्मेंस कोचिंग हमने जो मैनेजर का कोच काम कर रहे हैं उसमें आपके लिए हेल्प आउट करता है। एंड इट यूज टू डिटरमाइन आवर परफॉर्मेंस पेड एंड पे अवार्ड, कौन सा कितनी पे देनी है, कितनी इंसेंटिव हमें देनी है, वो चीज़ें हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एंड दिस फीडबैक इज ऑफन यूज्ड एज अ बेंचमार्क विद इन द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्लान।
और गर्ल्स के लिए जो डेवलपमेंट है साइंस उनके साइंस करते हैं, उसके लिए भी सिस्टम का प्लान उसके अच्छे से उसके फीडबैक से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पे भी हम डिजाइन करते हैं। फिर है जो 360 डिग्री फीडबैक को डेवलप किस तरह करना है, टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट 360 डिग्री फीडबैक ये कुछ स्टेप्स हैं। तो अच्छा एक और चीज़ जो फीडबैक है 360 डिग्री फीडबैक है ये बेसिकली डेवलपमेंटल पर्पस के लिए इसको क्या है यूज करते हैं, अगर हम ज़्यादा हाथ को लेते हैं अगर हम इसे डेवलपमेंटल हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने लोगों के लिए और सिस्टम के ऑनलाइन भी दिए बना सकते हैं। आपके जो कंसल्टेंट हैं वो एक ऑनलाइन सिस्टम बना सकते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें भी आप जिस पर्सन को हमने क्रिएट करना है लॉग इन करता है, लॉग इन करने के बाद वो डिसाइड खुद डिसाइड कर सकता है कि किस पर्सन से वो डेटा लेना है, उसके डेटा कौन से है, डेटा कौन से दिखता है, यहाँ पे वो डेटा को पोस्ट कर लिया क्योंकि सेल्फ अवेलेबिलिटी भी होती है, खुद का डेटा एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद फिर वो नोटिफिकेशन जाएगा डिजायर्ड मैनेजर क्रिएटर्स जिनसे वो चाहता है एक बार जिनसे पैसा दिया जाए अपना, वो फिर अपना डेटा देते हैं और फिर है जी इसको डेवलप किस तरह किया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, डिफाइन करें कि जी 360 डिग्री फीडबैक से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या चीज ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट अप्रेजल या पे टू किस हद तक उसके लिए किस हद तक जरूरी है, पर्पस क्या है 360 डिग्री। देन डिसाइड करें कि जी कौन लोग ऐसे होंगे जिन्हें फीडबैक दिया जाएगा और रेसिपिएंट्स कौन से होंगे। हर हर जॉब के लिए जरूरी नहीं होता कि 360 डिग्री फीडबैक कंडक्ट किया जाए या 360 डिग्री फीडबैक तो इसको डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फीडबैक कौन कौन किसको फीडबैक दिया जाए। देन डिसाइड ऑन होगा कि द फीडबैक देन ये भी फिर ये डिसाइड किया जाता है कि 360 डिग्री फीडबैक में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन ऐसे लोग होंगे जिसे आप फीडबैक देंगे, इसमें आपके हो सकते हैं किसी एम्प्लॉय का मैनेजर हो, डायरेक्ट सुपरवाइजर हो, कौन से टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, कोलीग्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक्सटर्नल कस्टमर्स को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना, इन सब चीज़ों को डिसाइड करना जरूरी है। इसके लिए आप आपका जो एचआर स्टाफ और जो आपके कंसल्टेंट्स हैं वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपको यूज कैसे करना है। देन आप डिसाइड ऑन द एरियाज ऑफ वर्क एंड बिहेवियर्स ऑन व्हिच फीडबैक विल बी गिवन, देन कौन से स्पेसिफिक टास्क हैं एंड बिहेवियर्स हैं जिनके रिलेटेड आप फीडबैक लेना चाहते हैं, उन्हें क्लियरली डिफाइन एंड डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Then have you decide on data on the method of collecting the data, then फिर ये डिसाइड करें कि डेटा हमने लेना किस तरह है, क्या हमने एक हार्ड फॉर्म में मैनुअली एक क्वेश्चनर फिल करवाना है या हमने जो सॉफ्टवेयर यूज करना है और जो सॉफ्टवेयर है वो हमने कंसल्टेंट से उस पर चेज करना है या हमने अपना खुद बनाना है वो सॉफ्टवेयर, इस चीज़ को डिसाइड करें। देन ये प्लान ये सब चीज़ें डिसाइड करने के बाद डिसाइड ऑन डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, देन आपने जो भी डेटा इकट्ठा किया है आपने उसको किस तरह एनालाइज करना है, उसे प्रेजेंट किस फॉर्म में एनालाइज इन अ सेंस कि आप वो परसेंटेज के फॉर्म में होगा, आप कोरिलेशन एनालिसिस के लिए कौन से मैथड होंगे एंड देन आप उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, उस फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो फॉर्म को ग्राफ को यूज करनी है, चार्ट यूज करनी है। फिर है जी ये सब चीज़ें डिजाइन करने के बाद प्लान द इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, तो
इम्प्लीमेंट करने से पहले जरूरी है कि उस सिस्टम को एक दफा टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। स्पेशली जो टॉप लेवल हैं या जो मैनेजर्स हैं उनके साथ एक दफा इसको पायलट कर लिया जाए, इसको टेस्ट कर लिया सो दैट जहाँ कहीं कोई लूपहोल्स हैं सो दैट उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और इस चीज को अभी देखा जाए कि ये कैसे काम करेगा और किस तरह की हमें बैंक से। और देन इस फेज पे ट्रेनिंग भी दी जा सकती है कि 360 डिग्री फीडबैक के थ्रू अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर फॉर्म भी यूज कर रहे हो तो किस तरह हमें फीडबैक लेना है और किस तरह फीडबैक देना है। जो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है यहाँ पे ट्रेनिंग एनालाइज की आउटकम ऑफ द फाइबर्स की जो भी आपने ट्राई किया है उसके बेस पे जो भी आपको सजेशंस मिले हैं, जो भी नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत है उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वो नेसेसरी चेंजेस करें। जो भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है उनसे रिलेटेड सो दैट इफेक्टिवली सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए सब ट्रेनिंग करें और देने के बाद प्लान एंड इम्प्लीमेंट द फुल प्लान फिर आप उसको विद द हेल्प ऑफ एचआर और एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स आप खुद ही अपने कर सकते हैं और देन वो देन मॉनिटर एंड अवेलेबल सो विद द बेस्ट ऑफ टाइम आपके जो भी इस सिस्टम इंप्लीमेंट होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये इफेक्टिवली काम कर रहा है, फीडबैक इफेक्टिव फीडबैक दे रहा है, इस चीज को भी साथ साथ मैनेज करते हैं, अवैल्यूएट करें। बिकॉज हो सकता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, लोगों को यूज नहीं करना आ रहा है, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपके जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इफेक्टिवली उसका फीडबैक नहीं दिया जा रहा क्या कि परफॉर्मेंस किस तरह की। तो इसीलिए जो सिस्टम आपकी 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करोगे उसकी एफिशिएंसी को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। समटाइम होता है हम सिस्टम इंप्लीमेंट तो कर लेते हैं लेकिन वॉइस की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आता एंड देयर इज अ रीजन कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती है, इश्यूज बहुत सारे होते हैं तो वो सिस्टम से चल नहीं पाता और हमको ना नहीं दे सकती है, इसके लिए अवैल्यूएट करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस क्या है जी, एक अच्छी 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम की एनोनिमिटी होनी चाहिए, जो भी फीडबैक आपने लेना है वो एनोनिमस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जिन एम्प्लॉय से आपने फीडबैक लिया है उनका जो रेटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि फीडबैक अच्छा ना हो तो एक स्पेशल एग्जाम है जी। ऑब्जर्वेशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस only those with good knowledge and first hand experience with the person being rated should participate in the process. so वो लोग इस process में involved होने चाहिए जिन्हें उस person के बारे में पता है, जिनके पास जिस person को आप evaluate कर रहे हो उसकी performance से related information। हर किसी को 360 degree feedback में include नहीं करना। फिर है जी फीडबैक इंटरप्रिटेशन, गुड सिस्टम्स अलाउ द पर्सन बीइंग रेटेड टू डिस्कस द फीडबैक रिसीव्ड विद द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। सो एक अच्छा सिस्टम क्या है जी, पर्सन को रेट किया जा रहा है से अलाउ करें कि वो फीडबैक उसे मिला है 360 डिग्री फीडबैक के थ्रू उस फीडबैक को वो डिस्कस कर सके उस एम्प्लॉय के साथ, अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ, अपने उस एम्प्लॉय के साथ जो कि डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो उसके साथ उसे दे सकते हैं। और यूनिक क्या होता है जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उन्हीं के साथ ही फीडबैक को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे मैनेजर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंटल प्लान कौन से होने चाहिए या प्रोग्राम्स। फिर है जी फॉलो अप, the information gathered has little value, there is no follow-up action. once feedback is received, it is essential that a developmental plan is designed. so
तो जैसे ही फीडबैक आपने रिसीव किया है तो उसके लिए जरूरी है कि फॉलो अप भी करें, मीन्स फर्दर जो भी एक्शन है, जो भी एक्शन लेने की जरूरत है आप बोलिए। यूज फॉर डेवलपमेंट पर्पस 360 डिग्री फीडबैक ज्यादा हेल्पफुल कब होता है, जब इसे डेवलपमेंट पर्पस के लिए इसके बेस पे प्रमोशन एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हैं जैसे प्रमोशन एंड कंपनसेशन इन्हें डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन इसका पर्पस बेसिकली डेवलपमेंट Avoidance of service attain. Service attain can be avoided if individuals are not asked to wait too many persons at the same time. अगर एक ही टाइम पे आप employee को कहें कि वो इतने सारे फॉर्म फिल करें तो ये service attain की हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सेम टाइम पे सब जो फॉर्म्स हमें डिस्ट्रीब्यूट मत करें बल्कि मल्टीपल टाइम्स रखें सो डैट लोग बिल्कुल भी मत करें आपको फॉर्म फिल। आप किसी फन बिहेवियर तो 360 अच्छा 360 डिग्री फीडबैक ये है कि अगर आपका ज़्यादा फोकस आपके बिहेवियर्स पर होना चाहिए ना रेटर्स गो बियॉन्ड रेटिंग रेटर्स सुपरवाइज रिटर्न डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या डिटेल्ड एंड कंस्ट्रक्टिव कमेंट आपने रेटिंग तो क्लीन ही की है एम्प्लॉइज से जो रेटर्स हैं उन्हें चाहिए कि जो 3-4 या 2 रेट दिया है उसके आगे जस्टिफिकेशन दिया वो डिटेल रिटन डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए तो डर जब एम्प्लॉय को डिस्कस कर ले अपने मैनेजर के साथ तो उसके पास वो रीजन होनी चाहिए कि उसे क्यों रेट है। अगर आप रीजन के साथ देखोगे तो वो एक ऑब्जेक्टिव लेटर्स आर ट्रेंड डेटर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए किस तरह हमने एक कंस्ट्रक्टिव वे में फीडबैक देना है ये हमें पता होना है। फिर है जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है 360 डिग्री के डिग्री एडवांटेजेस हैं क्योंकि बायसेस की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है देन जी इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एक्सपेक्टेशन आप बायसेस जो कम हो जाते हैं क्योंकि एक से ज्यादा लोगों से डेटा लिया जाता है तो अगर किसी एक पर्सन की तरफ से बायसनेस है जैसे सिर्फ अगर मैनेजर से डेटा लिया जाए तो मैनेजर की तरफ से बायसनेस होती है पर मल्टीपल सोर्स से डेटा लिया जाता है तो जरूरी नहीं होता कि अगर एक पर्सन की परफॉर्मेंस के लिए 10 लोगों से डेटा लिया गया है तो 10 लोगों की बायसनेस हो नो इंक्रीज कमिटमेंट टू इम्प्रूव और क्योंकि एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं दूसरे उसको कैसे अवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को सो ऐसा रीजन कि वो उसकी कमिटमेंट भी इंक्रीज हो सकती है कि अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। इंक्रीज सेल्फ परसेप्शन ऑफ इम्प्रूव सेल्फ परसेप्शन ऑफ परफॉर्मेंस आपके जो सेल्फ परसेप्शन होती हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं जब आप मल्टीपल सोर्सेज से देखा रहते हैं तो अगर मैं हमेशा इसी गुमान में रहूँ कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है जबकि दूसरों के लिए मेरी परफॉर्मेंस सिर्फ मैं एक एवरेज परफॉर्मर हूँ तो ये जो एक मेरी परसेप्शन है एक सेल्फ परसेप्शन है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर ये भी इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर है जी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं मल्टीपल सोर्सेज उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में उसे डेटा लिया जाता है तो ये आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके डेवलपमेंटल प्लान्स क्या हो सकते हैं ये भी डिफाइन किया जाता है उसे अगर डेवलपमेंटल प्लान्स का डेटा भी लिया जाए एम्प्लॉय से जो डेटर्स हैं उनसे तो ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। रिड्यूस अनडिस्कस्ड एबल्स
मीन 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कोवर्कर्स सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस इन एन एनोनिमस एंड नॉन थ्रेटनिंग वे. सो मेनी सुपरवाइजर्स मे फील अनकंफर्टेबल अबाउट प्रोवाइडिंग नेगेटिव फीडबैक. तो इसमें क्या है, रिड्यूस अनडिस्कस्ड एरर्स नहीं. तो फेस टू फेस जब मैनेजर्स फीडबैक दे रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस को, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो या नेगेटिव एरियाज परफॉर्मेंस एरियाज हो जिनको वो हो सकता है कि डिस्कस ना कर पाए सिर्फ को अवॉइड करने के लिए या एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए. वो चीज़ यहाँ से खत्म हो जाती है. तो क्योंकि हमने प्रैक्टिस करा कि आपका जो एनोनिमिटी है, जब आप एनोनिमस के लोगों से फीडबैक लेते हो तो वहाँ पे वो सब चीज़ें जो फेस टू फेस मैनेजर्स छोड़ देते हैं डिस्कस करना या अवॉइड करते हैं डिस्कस करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे कम हो जाती हैं. और अगर कहीं पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसे भी क्लियर कट मेंशन किया जाता है और डिस्कस किया जाता है. एंड इट इनेबल्स एम्प्लॉयज टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर करियर. सो सेकेंडली जब एक डिटेल और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाए मिलता है एम्प्लॉय को मल्टीपल सोर्सेज से, तो एम्प्लॉय के पास एक रियलिस्टिक असेसमेंट आती है और उस रियलिस्टिक असेसमेंट के बेस पे उसका करियर पाथ क्या होने चाहिए, वो किस पोजिशन के लिए सूटेबल है, कौन सा करियर पाथ उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो जाए. हो सकता है कि जी मैं खुद को समझ रहा हूँ कि मैं तो बस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करूँ, मैं तो इससे लेकिन जो मल्टीपल सोर्सेज से मुझे डेटा मिला और मल्टीपल सोर्सेज से डेटा मिलने के बाद पता चला कि लोगों को लगता है मेरे बिहेवियर मेरी स्किल्स मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये नहीं मुझे इस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए बल्कि मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उससे ज़्यादा सूट करें, तो जो मेरा करियर पाथ है मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको डिजाइन कर सकती हूँ जो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा मिले. डिसएडवांटेजेस क्या है जी, पहला कि नेगेटिव फीडबैक कैन हर्ट एन एम्प्लॉयज फीलिंग. अगर आपके जो आपको रेट कर रहे हैं अगर आपको वो कंस्ट्रक्टिव वे में फीडबैक नहीं देते, कमेंट्स नहीं देते, तो नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक है लेकिन वो क्यों दिया जा रहा है, उसके रीज़न क्या है, कोई एक्यूरेट रीज़न नहीं है, तो ये इम्प्लॉयज फीलिंग को हर्ट भी कर सकते हैं, डीमोटिवेशन हो सकती है यहाँ पे. सेकेंड है जी द सिस्टम इज लाइकली टू लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स ओनली इफ इंडिविजुअल फील कम्फर्टेबल विद द सिस्टम. और अगर वो समझे कि जी उससे ऑनेस्टली एंड फेयरली रेट किया जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल या एम्प्लॉय ये समझे कि उसे फेयरली रेट नहीं दिया जाएगा और उसका ट्रस्ट ना हो उस सिस्टम पे, तो वो सिस्टम बिल्कुल भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता रिजल्ट से. थर्ड क्या है कि जी जब बहुत कम बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं दो या तीन, तो एम्प्लॉय के लिए इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि किन किन लोगों ने मुझे रेट किया है. एनोनिमिटी वहाँ पे खत्म हो जाती है, वहाँ पे इसका ये डिसएडवांटेज है. अगर आप सिर्फ कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो इसमें, तो वहाँ पे फिर इजीली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है कि इस पर्सन ने मुझे रेट ऐसा किया और इस पर्सन ने मुझे रेट ऐसा किया. जैसे कि 180 डिग्री फीडबैक है, तो बेहतर है कि ये प्रॉपर्टी स्पेस के लिए फीडबैक ही होना चाहिए अपने इंटरनल कस्टमर्स एंड पीयर्स एंड डायरेक्ट सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स सब सबॉर्डिनेट्स सबको इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाए, वो इसलिए आइडेंटिफाई ना कर पाए कि आपके जो एनोनिमिटी इंश्योर करने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है. फोर्थ क्या है जी, क्योंकि 360 डिग्री फीडबैक है और हो सकता है कि जी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम है 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम है, तो
एक जो वेटर है उसके पास मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ फिल करने के लिए, जैसे यहाँ पे सर्वे फटीग, यहाँ पर सर्वे फटीग इन सेंस के अगर 10 लोगों की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है और 10 लोगों के फॉर्म मेरे पास आ गए हैं, मैं वेटर हूँ और अब 10 10 फॉर्म मुझे फिल करने हैं, तो ये बहुत ही टाइम। एंड फाइनली ये जो इम्प्लीमेंटिंग है 360 डिग्री फीडबैक है शुड नॉट बी अ वन टाइम ओनली इवेंट। ये जो 360 डिग्री फीडबैक है ये सिर्फ वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए। वन टाइम इवेंट इन द सेंस के आपने एक दफा सिर्फ इसको 6 महीनों के बाद इम्प्लीमेंट किया या 1 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया एंड दैट्स इट, बल्कि बेस्ट वे ये होती है कि आप 6 मंथ के बाद इसको जरूर इम्प्लीमेंट करें। 6 मंथ के बाद आप 360 डिग्री फीडबैक लें, देन फर्दर 6 मंथ के बाद अगेन 360 डिग्री फीडबैक। बाय एनुअली ये सिस्टम होना चाहिए, फीडबैक 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। उसकी बेस पे ये 720 डिग्री फीडबैक दे सकते हैं। 720 डिग्री फीडबैक इन द सेंस के आपने 6 मंथ के बाद आपने लिया फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक लिया, देन नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आपने फिर उससे देखना है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों से डेटा लिया जाता है, मल्टीपल सोर्स से डेटा लिया जाता है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन साल में 2 दफा डेटा लेने से क्या होगा, आप गाइड कर सकते हो इजीली। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है एम्प्लॉय के लिए परफॉर्मेंस नहीं है तो आप वहाँ पे उनको गाइड कर सकते हो, साथ दे सकते हो, गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड की जा सकती है, और इम्प्लॉय को भी टाइमली पता चल सकता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट।